हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जो मिड जर्नी की तरह वर्क तो करता है और मिड जर्नी से बेहतर भी है। और मिड जर्नी से बेहतर इसलिए क्योंकि ये फ्री टूल है। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। तो सबसे पहले क्या करना, आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ। आपको जो ब्राउजर ओपन करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है, lexica.art, और उसके बाद आपको लॉगिन एंड साइनअप कर लेना है। लॉगिन एंड साइनअप करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा यहाँ पे, जिसमें आपको ऊपर इसका होम, जेनरेट, हिस्ट्री, लाइक्स और अकाउंट का शो करेगा। और उसके भी यहाँ पे ज्वाइन द डिस्कॉर्ड पे क्लिक करके आप चाहे तो डायरेक्ट मिड जर्नी में इसके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ से आपको जिस टाइप का इमेज सर्च करना उस टाइप का इमेज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे एक मंकी का चाहिए, मैं यहाँ पर मंकी सर्च करूँगा। फिर ये क्या हो, सर्च करने का लोडिंग होगा और यहाँ पे दिखाएगा कितने रिजल्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्टिव मंकी का यहाँ पे आर्ट आ चुका है, जो कि एक मतलब इस यहाँ पे इस आर्ट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोड है, प्रॉम्प्ट कोड है यहाँ पे। जैसे मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोड भी दिया गया है, कॉपी प्रॉम्प्ट कोड करके। आप चाहे तो मिड जर्नी में भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, पर इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मिड जर्नी में कर सकते, इसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसमें भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इसमें थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं, इसमें आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है आपको ओपन इन एडिटर। तो अब मान लो अब इस इमेज में से आपको कुछ रिमूव करना है, मान लो आपको इस कलर को रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव प्रोम, जिससे क्या होता है, जिसका मतलब ये होगा कि आप अगर इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं या आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन दिया है, मैं फिर से होम पे चलता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आपको पहले से मिल जाएंगे, वो भी आपको कोड के साथ, प्रॉम्प्ट कोड के जो होता है, आप उस प्रॉम्प्ट कोड को जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि आप कैसे मिड जर्नी की, और ये एक AI सीरीज चल रहा है जिसमें मैं मिड जर्नी और AI जितने भी टूल है उस टूल को कवर कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 से ऊपर AI टूल का ही वीडियो बनेगा से, जिसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, और आप भी ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप NFT आप चाहे तो इस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करके इससे मतलब रेफरेंस की तरह यूज़ करके एक NFT आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अपना डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मिड जर्नी हम करते हैं तो हम यहाँ पे कैसे अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जनरेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे आना है। और आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे हम मिड जर्नी में क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट कोड लिखते हैं, स्लैश इमेजिन यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, और मैं आपको बता दूँ अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं कि आप कैसे प्रॉम्प्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अपना कोड डालता हूँ, वही मंकी वाला, स्वीट फ्लफी बेबी मंकी डिजिटल आर्ट 3D। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप कैसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप आइडिया भी लिख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कोड कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है, मतलब इसने लिखा है कि बेबी मंकी चाहिए, फिर उसके बाद क्या है, डिजिटल आर्ट होना चाहिए, फिर 3D होना चाहिए, ऑक्टेव रेंडर होना चाहिए, मास्टरपीस होना चाहिए, मेगा डिटेलर होना चाहिए, पिक्सर होना चाहिए, उसमें डिज्नी होना चाहिए, विविड इलस्ट्रेशन होना चाहिए, कार्टून फैंटेस्टी बाय जॉर्ज। यहाँ पे स्टब्स की मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, उनके द्वारा ये आर्ट क्रिएट किया गया, मतलब उनका नाम लेने से मतलब कि वो जिस टाइप का आर्ट क्रिएट करते उस टाइप का आप आर्ट क्रिएट कर सकते हो, भी बहुत आसान तरीके से। जैसे कि इसलिए यहाँ पे उनका नाम लिखा गया, जो भी फेमस आर्टिस्ट है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग अपने आर्ट के अकॉर्डिंग आप जिनका भी नाम लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और यहाँ पर डायमेंशन चूज़ कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है, मतलब गाइडेंस स्केल है आप इसके अकॉर्डिंग कितना है, मतलब 7 से 10 तक ये सही रहता है। फिर यहाँ पे फिक्स डबल हेड, जैसे होता है ना कि कभी कभी डबल हेड आ जाता है, स्लो क्रॉप, तो कुछ खराबी होता है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या होगा, बहुत जल्द, जैसे मिड जर्नी में क्या होता है, हमें 1 मिनट लगता है कभी, मतलब बहुत होता है, फिर 4 इमेज आएंगे, हम आप स्केल करेंगे, बहुत ज़्यादा झमेला होता है, और यहाँ पे बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। अभी देख सकते हैं ये दिस इमेज जनरेशन सर्वर इज करेंटली डाउन फॉर मेंटेनेंस, लग रहा है कि अभी ये सर्वर डाउन चल रहा है, फिर एक और बार ट्राई करते हैं। कुछ सर्वर इशू आ गया था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और आर्ट क्रिएटेड है, यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट कोड मैंने यूज़ किया। जैसे मैं यहाँ पर लिखा सिमोन स्टेल हैंग 8K रेजोल्यूशन हाइपर रियलिस्टिक मोटरसाइकिल, मैंने यहाँ पर लिखा, और कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपको क्रिएट होकर आया यहाँ पर, क्योंकि बहुत देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर जितने भी डिज़ाइन आ रहे हैं सब आपको अट्रैक्टिव ही यहाँ पर डिज़ाइन आते हैं, जो कि देखने में भी सही लग रहा है। और जैसे वो मंकी वाला जो था, ये डिज़ाइन था जो मतलब रिकॉर्डिंग में ये ऐड नहीं हो पाया, तो ये डिज़ाइन वहाँ पे ये क्रिएट होकर आया, जो कि सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही डिज़ाइन है, यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुका है। और यहाँ पे 4 वेरिएंट आया है,
जिसमें से हमें जो भी आपको पसंद आए आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप पसंद आए। जैसे मान लो मुझे ये सही लग रहा है, मैं क्या करूँगा इसको, आप यहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं जो भी आपको सही आ रहा है, पसंद आ रहा है। जिसमें से मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को आप स्केल करूँगा। जैसे कि हम मिड जर्नी में करते हैं, आप स्केल करने के बाद क्या होगा, आपको एक और यहाँ से इमेज बन के आएगा। या आप यहाँ से जैसे हम मिड जर्नी में क्या करते हैं, जनरेट वेरिएट और वेरिएंट बनाते हैं। जैसे हम रीजनरेट करते हैं तो इसके यहाँ से आप रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप स्केल किया यहाँ पे इसको, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आएगा आपको। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करके, सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसे आप सेव कर सकते हैं। और आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और अपना आर्ट अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे, और यहाँ से जितने भी आपको प्रॉम्प्ट कोड दिया गया है इसके रेफरेंस को लेकर आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड यूज़ किया था, सेम वैसे ही नहीं आता, अलग अलग आता है, चार वेरिएंट भी आता है, कभी सेम भी आता है। तो आप एज अ रेफरेंस की तरह यूज़ करके इसे आप अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसे उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो अपने डिज़ाइनिंग और यहाँ से हेल्प लेकर, जैसे AI हमारा क्या होता है कि हमें हेल्प करता है एज अ रेफरेंस की तरह, तो आप हेल्प लेकर अपना भी यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी लगाकर अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।